हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ओके, अभी हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया था कि ब्लासिटी क्या होती है और ब्लासिटी की कॉन्सेप्ट क्या है। अभी इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया प्रीवियस क्लास में कि ब्लासिटी क्या है, आपकी यूनिफॉर्म ब्लासिटी क्या है, ब्लासिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं। अब हम देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म ब्लासिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस ब्लासिटी क्या है, एवरेज ब्लासिटी क्या है, कब एवरेज स्पीड एवरेज ब्लासिटी के इक्वल होती है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म ब्लासिटी और वेरिएबल ब्लासिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म ब्लासिटी को और हम क्या कहते हैं? वेरिएबल ब्लासिटी, या क्या कहते हैं? चेंजिंग ब्लासिटी। तो चाहे आप चेंजिंग ब्लासिटी कहो या नॉन यूनिफॉर्म ब्लासिटी कहो या वेरिएबल ब्लासिटी कहो, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। मतलब क्या हुआ कि ब्लासिटी यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म होगी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब चेंज हो रही होगी। क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी ब्लासिटी। अब थोड़ा सोचने वाली बात है कि ब्लासिटी भाई कब चेंज हो सकती है। ब्लासिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें दोनों चीजें हैं। एक तो मैग्नीट्यूड है जिसे आप स्पीड बोलते हैं, एक डायरेक्शन है। अब अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया ब्लासिटी का तो हम कहेंगे स्पीड चेंज हो गई। मीन्स अभी आप 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे थे, बाद में 10 मीटर पर सेकंड से मूव करने लगे, इसको तो आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, तो हम कहेंगे स्पीड चेंज हो गई। स्पीड चेंज हो गई तो ब्लासिटी चेंज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, डायरेक्शन वही बनी रहे, तो हम कहते हैं उसकी स्पीड चेंज हो गई, ब्लासिटी चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल ले, जब हम किसी बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है उसकी डायरेक्शन तो वही रहती है, अपवर्ड जा रही है, लेकिन उसकी स्पीड कम होती जाती है, तो हम कहते हैं ब्लासिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। अब हम कहेंगे ब्लासिटी चेंज हो गई। या कोई बॉडी डाउनवर्ड आ रही होती है तो जैसे जैसे नीचे आती है वैसे वैसे इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है, मीन्स ब्लासिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता जाता है, लेकिन डायरेक्शन फिक्स रहती है, डाउनवर्ड रहती है ना, तो डायरेक्शन नहीं चेंज होती है। तो ये दोनों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें ब्लासिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा, मीन्स स्पीड चेंज हो रही, लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे ब्लासिटी चेंज हो गई। तो जब भी किसी ब्लासिटी का मैग्नीट्यूड मीन्स स्पीड चेंज हो जाए, हम कहते हैं उसकी ब्लासिटी चेंज हो गई। क्या हम कहेंगे? उसकी ब्लासिटी चेंज हो गई, ठीक ना। अब दूसरा, डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी ब्लासिटी चेंज मानी जाएगी। सपोज कर लो कोई एक कार है, वो ईस्ट में 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, बाद में वो नॉर्थ में टर्न हो गई 5 मीटर पर सेकंड से, तो उसकी ब्लासिटी चेंज हो जाएगी, भले स्पीड नहीं चेंज हुई क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। या दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती जाएगी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म ब्लासिटी है या ब्लासिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी की ब्लासिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाए, कभी वो 5 से चले, कभी 10 से चले, कभी 15 से चले, लेकिन उसी डायरेक्शन में चलती रहे, और या तो उसका उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, कभी नॉर्थ में चले, कभी साउथ में चले, कभी ईस्ट में चले, कभी वेस्ट में चले, या नॉर्थ से ईस्ट में हो जाए, तब ब्लासिटी चेंज हो जाएगी। या दोनों चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, डायरेक्शन भी चेंज हो, तब चेंज हो जाएगा। तो ब्लासिटी चेंज करने के 3 मेथड्स हो गए। मैग्नीट्यूड चेंज कर दें ब्लासिटी का, डायरेक्शन वही बनाए रखें, डायरेक्शन चेंज कर दें ब्लासिटी का, मैग्नीट्यूड वही बनाए रखें, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दें, तो इन तीनों के केस में ब्लासिटी चेंज हो जाएगी। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे आप कि इस क्वेश्चन में ब्लासिटी का क्या चेंज हो रहा है, क्या ब्लासिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या ब्लासिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है या दोनों चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे वो वेरिएबल ब्लासिटी से मूव कर रही है या वो नॉन यूनिफॉर्म ब्लासिटी से मूव कर रही है। और जहां ब्लासिटी चेंज होती है वहीं तुरंत एक्सेलरेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन आ जाता है, और एक्सेलरेशन आ जाएगा तो वहीं तुरंत फोर्स आ जाता है। तो एक्सेलरेशन और फोर्स की कॉन्सेप्ट तभी आती है जब ब्लासिटी चेंज होती है।
अब ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि डायरेक्शन के ओनली चेंज होने से अलग केस आएगा, केवल मैग्नीट्यूड के चेंज होने से अलग केस आएगा, दोनों चेंज हो रहे हैं तो अलग केस आएगा। मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तब भी एक्सेलरेशन आएगा, दोनों चेंज होंगे तब भी एक्सेलरेशन आएगा। तो जहां पर वेलोसिटी चेंज होगी वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम चेंज इन वेलोसिटी देखें कितनी है और चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें क्या है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आइए हम डिस्कस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको हम वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। जब भी कोई बॉडी इस तरीके से मूव करे कि वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सपोज कर लो आप राइट साइड में चलना स्टार्ट किए, फर्स्ट सेकंड में आप 5 मीटर चले, सेकंड सेकंड में आप 10 मीटर चले, थर्ड सेकंड में आप 30 मीटर चले, फोर्थ सेकंड में आप 4 मीटर चले, तो क्या हो रहा, आप अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे आप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहे हो। क्या कर रहे हो? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहे हो। या आप 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे ईस्ट में, फिर 5 मीटर पर सेकंड से ही नॉर्थ में टर्न हो गए, तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई, आप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हो। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि जब भी कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम कहते हैं बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही। अब देखिए, जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन फिक्स बनी रहे। देखिए, ये बॉडी 5 मीटर पर सेकंड चल रही थी, फिर 10 से चलने लगी, फिर 15 से चलने लगी, ये इंक्रीज हो रहा है। ये 10 से चल रही थी, फिर 5 से चलने लगी, फिर 2 मीटर पर सेकंड चलने लगी, ये डिक्रीज हो रहा है। देखिए, डायरेक्शन राइट साइड में, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, 5 10 15 हो गया, 10 5 2 हो गया। तो इस केस में क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, तो हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई। अभी मैंने एग्जांपल बताया था जब किसी बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं या डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, डायरेक्शन चेंजेस। देखिए, ये एग्जांपल है जिसमें केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखिए, ए पॉइंट पर वेलोसिटी किधर है, नॉर्थ में। बी पॉइंट पर देखिए वेलोसिटी किधर है, वेस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में। देखिए, बी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट पर देखिए, सी पॉइंट पर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। देखिए, सी पॉइंट पर। देखिए, ये डी पॉइंट पर, डी पॉइंट ये है, डी पॉइंट पर देखिए वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, डी पॉइंट पर देखिए ये ईस्ट डायरेक्शन में है। तो अब और स्पीड देखिए, 5 मीटर पर सेकंड। मीन्स यहाँ पर स्पीड नहीं चेंज हो रही है, हमेशा वो 5 ही है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। ए पर ये नॉर्थ में है, बी पर ये जो है वेस्ट में है, सी पर ये साउथ में है, डी पर ये ईस्ट में है। तो केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यहां पर देखिए, दोनों चेंज हो रहा है। ए पर ये क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। बी पर क्या है, ये देखिए वेस्ट में है, स्पीड कितनी हो गई, 10 हो गई। सी पर देखिए स्पीड 15 हो गई, किस डायरेक्शन में, साउथ में। डी पर देखिए क्या है, 20 मीटर पर सेकंड हो गई, स्पीड कितनी हो गई आपकी, 20। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों चेंज हो रहा है, स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो यहाँ भी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यहाँ भी एक्सेलरेशन होगा, यहाँ भी एक्सेलरेशन होगा, यहाँ भी एक्सेलरेशन होगा, यहाँ भी फोर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर भी फोर्स रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पर भी फोर्स एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पर भी फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ओके, अब जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो हम चेंज इन वेलोसिटी देखते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये एरो जो है वेक्टर के लिए है, चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो अब एक्सेलरेशन जीरो होगा नहीं, तो हम कहेंगे ये एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन होती है वो एक्सेलरेटेड मोशन होती है। तो सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इन सब में एक्सेलरेशन है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है ये देख लीजिए, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम
एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, एक पर्टिकुलर सेकेंड पर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक विशेष सेकेंड पर जो कोई वेलोसिटी जो होती है वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो या लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि टाइम इंटरवल हमने वेरी स्मॉल ले लिया है, टाइम इंटरवल वेरी 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 स्मॉल ले लिया है, 0.001 सेकंड या 0.0 सेकंड, तो टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल ले लिया। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। डेल्टा एक्स ये लार्ज डिस्प्लेसमेंट था, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ये लार्ज टाइम इंटरवल था, ये स्मॉल टाइम इंटरवल है। इसका मतलब ये हो गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या करने के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट के विषय, डिफ्रेंशिएशन के विषय में। अब है एवरेज वेलोसिटी, क्या है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। देखिए एवरेज वेलोसिटी हमें तभी फाइंड आउट करना होता है जब बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से चल रही हो या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने पर तो एवरेज की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब कोई बॉडी चल रही है तो एवरेज वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। मीन्स द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। मतलब एवरेज वेलोसिटी जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल के इक्वल होता है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन अपॉन टी टू माइनस टी वन। इसका मतलब क्या हुआ, टी वन टाइम पर बॉडी की पोजिशन एक्स वन थी, टी टू टाइम पर बॉडी की पोजिशन एक्स टू थी, तो एक्स टू माइनस एक्स वन डिस्प्लेसमेंट हो गया अपॉन टाइम इंटरवल, तो वी एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, अब हम देखेंगे कि किस केस में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड सेम होती है और किस केस में वो डिफरेंट होती है। अब हम देखेंगे किस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्प्लेसमेंट सेम, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड सेम होती है, किस केस में डिफरेंट होती है। चलो देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड होती है, ये एवरेज स्पीड है, ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है। एवरेज स्पीड होता है टोटल पाथ लेंथ मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आप देखिए, इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में चल रही हो, अपनी डायरेक्शन को ना चेंज कर रही हो, अगर कोई बॉडी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में चल रही हो, अपनी डायरेक्शन को ना चेंज कर रही हो, तो उसका जो जितना उसकी जितनी डिस्टेंस होती है उतना ही उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। सपोज कर लो आप अपने घर से निकले, अपने राइट साइड में सीधे चलते चले गए, आप 50 मीटर चले किसी टाइम इंटरवल में, तो वही 50 मीटर आपका डिस्टेंस भी हो जाएगा, वही 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। हाँ बस कंडीशन है कि डायरेक्शन ना चेंज करिए, अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो डिस्टेंस ग्रेटर हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर हो जाएगा। तो जब भी कोई बॉडी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए मूव कर रही होती है तो उस केस में टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। दोनों को टाइम से डिवाइड कर दो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये एवरेज स्पीड आ जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए चल रही हो तो उस केस में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है।
अगर दोनों का रेशियो निकालोगे एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी तो वन आएगा, क्या आएगा, वन आएगा। अब दूसरा, इफ इट इज नॉट सो, अगर वो डायरेक्शन को चेंज कर रही है, मान लीजिए आप अपने घर से चले राइट साइड में 50 मीटर गए फिर 20 मीटर वापस आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो 30 मीटर हो गया, लेकिन आपका, लेकिन आपकी डिस्टेंस हो गई 50 प्लस 20 70 मीटर हो गई, तो डिस्टेंस ग्रेटर होगी डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर हो जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा एवरेज स्पीड, और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड होगी वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर होगी, एवरेज जो स्पीड होगी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर होगी, और एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वन से ग्रेटर आएगा, अगर एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड निकालेंगे तो वन से स्मॉलर आएगा। ओके, तो यहां से दो कंक्लूजन निकले कि जब भी कोई बॉडी बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में चल रही हो तो एक गिवन टाइम इंटरवल में उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड उसके डिस्टेंस के इक्वल होता है, और इस केस में एवरेज स्पीड जो है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। लेकिन अगर बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर होगा, तो एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर होगा। इसका ये कंक्लूजन हुआ कि एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से या तो ग्रेटर होगी या तो इक्वल होगी, कभी भी एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी से स्मॉलर नहीं होगी, नंबर एक बार। सेकेंड पॉइंट जो है, डिस्टेंस जो है या तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा या तो उससे ग्रेटर होगा, कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से स्मॉलर नहीं हो सकता। अब दो बातें और, जब भी कहीं लिखा हो यूनिफॉर्म मोशन, क्या लिखा हो, यूनिफॉर्म मोशन, तो जनरली यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन, लेकिन ये बात आपको देख लेना है कि वहां यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए आया है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आया है। जैसे कहा जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब हो गया कि वो बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड होगी क्योंकि सर्कुलर पाथ पर डायरेक्शन चेंज होती जाएगी तो वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी, तो वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म हो नहीं सकती है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बोला गया है। लेकिन अगर कहीं स्ट्रेट लाइन में बोला जाए यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा और फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूले अप्लीकेबल होंगे जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगी। अब कहीं कहीं आपका आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब समझ लो कि उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रही है, ठीक ना, दोनों चेंज हो सकती है, या हो सकता हो स्पीड चेंज हो डायरेक्शन ना चेंज हो, तो उस केस में एक्सेलरेशन होगा, फिर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के विषय में सोचना होगा। तो जब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड से कहा जाए इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड से, और नॉन यूनिफॉर्म कहा जाए इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये बात आप जो है जो भी न्यूमेरिकल दिया रहेगा उसमें ये बात ध्यान रखेंगे कि यूनिफॉर्म का मतलब वहाँ क्या है। आपको एक यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा। नॉन यूनिफॉर्म में भी हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन चेंज होता रहेगा। तो ये आपको टर्मिनोलॉजी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ लेनी है कि वो यूनिफॉर्म किस वर्ड के लिए आया है, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए आया है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आया है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आया है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी मूव कर रही है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी अप्लाई कर पाएंगे जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी। तो ये बात आपको न्यूमेरिकल में ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। आप फिजिक्स जीनियस चैनल पर जाएंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे ना, प्रॉमिस। ओके।